नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिर परिचित दोस्त उपस्थित हूँ आप सभी की सेवा में कुछ एक महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। आइए आज हम सभी जानते हैं नींबू से जुड़े हुए कुछ एक ऐसे फ़ायदों के बारे में जो कि आप नहीं उठा पाते हैं। अक्सर लोगों को सुना होगा, आपने कहते हैं कि हम नींबू पानी पी रहे हैं, नींबू पानी के फ़ायदे तो सभी जानते हैं। हमने ही अपने पिछले एपिसोड्स में बताया हुआ है कि नींबू पानी पीने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। खास करके सुबह सुबह खाली पेट अगर आप नींबू पानी पीते हैं तो बहुत सारे आपको लाभ होते हैं। अगर इस बारे में आपको बहुत विस्तार से जानना है तो आप हमारे दूसरे वीडियोज़ को देख सकते हैं इसी चैनल पर, जिस पर हमने विस्तार से बताया हुआ है खाली पेट अगर आप नींबू पानी पीते हैं तो क्या फ़ायदा होगा। लेकिन नींबू में एक ऐसी चीज़ भी होती है जिसका हम सही इस्तेमाल नहीं करते हैं, वरना हम बहुत सारे लाभों को उठा सकते थे। नींबू का जूस यानी कि रस तो हम यूज करते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए बेहद फ़ायदेमंद होता है, लेकिन अक्सर हम निवेदन करते हैं आप सभी से कि हमें फल एवं सब्जियां उसी रूप में खानी चाहिए जिस रूप में हमें प्रकृति ने प्रदान की है। आज भी हम एक फल यानी कि नींबू की चर्चा कर रहे हैं जिसका रस हम लोग हर रोज़ उपयोग में लेते हैं, लेकिन छिलका, जी हाँ, छिलके से रिलेटेड बात करनी है आज हमें, जिसमें असली लाभदायक तत्व होते हैं उसे हम तो फेंक देते हैं। आधुनिक खान पान रिवाजों के चलते हमने कई अन्य आहारों के साथ साथ नींबू का भी अपमान करना, यूं कहें तो ज़्यादा अच्छा होगा, नींबू का अपमान करना हमने स्टार्ट कर दिया है, अपनी आहार शैली में शामिल कर लिया है। कितना आश्चर्य है कि नींबू के छिलके में रस यानी कि जूस से अधिक पोषक तत्व, विटामिन, फाइबर तथा सेहत से भरे हुए गुण होने के बावजूद ये फेंक दिए जाते हैं। आपको याद होगा कि घरेलू नुस्खों में नींबू के पुराने आचार का कितना महत्व है। एसिडिटी, दस्त, कब्ज का इलाज एवं भूख बढ़ाना सब नींबू का आचार कर देता है। बच्चे, बुजुर्ग जिनसे एंटीबायोटिक सहन नहीं हो पाते, नींबू के आचार से ही ठीक हो जाते हैं। कारण एक ही है, नींबू का आचार छिलके समेत बनाया जाता है जिसमें नींबू के सारे गुण समाहित रहते हैं। पुराना होने पर इसमें प्राकृतिक लाभकारी एंजाइम भी पनप जाते हैं जो पेट के लिए अमृत का काम करते हैं। एरियोसिट्रिन एक ऐसा ही शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो रस की अपेक्षा छिलके में अधिक पाया जाता है। इतना ही नहीं, छिलके में पाए जाने वाले कुछ अति लाभकारी तत्व नींबू के रस में होते ही हैं। लिमोनिन एक ऐसा ही तत्व है जो मुख्यतः छिलके में ही होता है, जिसके कारण ही हमें नींबू की मनभावन महक मिलती है। शोध भी सलाह देते हैं कि नींबू के वास्तविक गुणों के लिए हमें इसे छिलके समेत ही खाना चाहिए। नींबू के छिलके अपने भीतर गुणों का अनमोल खजाना लिए हुए होते हैं। छिलकों में उपस्थित कुछ एंजाइम नींबू के रस से भी अधिक लाभकारी हैं, कुछ तो 5 से 10 गुना तक अधिक तक पाए जाते हैं। पेट के रोग, मोटापा, ऑस्टियोपोरोसिस, आर्थराइटिस, डायबिटीज तथा कोलेस्ट्रोल नियंत्रण में नींबू के छिलके अद्भुत लाभकारी हैं। तो आइए हम जानते हैं कि नींबू के छिलकों में कौन कौन से पोषण तत्व तथा कितनी मात्रा में पाए जाते हैं। पोषक तत्व मात्रा प्रति 6 ग्राम में हम देखेंगे कि कितना मिलता है। कैलोरी 3, कुल वसा टोटल फैट 0.02 ग्राम, सेचुरेटेड फैट 0 ग्राम, कोलेस्ट्रॉल 0 मिलीग्राम, सोडियम 0.36 मिलीग्राम, पोटेशियम 9.6 मिलीग्राम, कार्बोहाइड्रेट 0.96 ग्राम, शुगर 0.25 ग्राम, फाइबर 0.64 ग्राम, प्रोटीन 0.09 ग्राम, विटामिन ए 3 आयु, विटामिन सी 7.74 मिलीग्राम, कैल्शियम 8.04 मिलीग्राम और लौह 0.05 मिलीग्राम। ये डॉक्टरों की शोध के अकॉर्डिंग है। नींबू के छिलके ताजे या सूखे जिस रूप में भी आप लेते हैं आपके लिए लाभकारी साबित होते हैं। नींबू के छिलके खाने से कोलेस्ट्रॉल घटने में प्रत्यक्ष लाभ होता है, जिससे दिल की सेहत
ठीक रहती है। इसमें पाया जाने वाला पोटेशियम उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद करता है। छिलकों में पाए जाने वाले पॉलीफेनोल फ्लावोनोइड यानी कि LDL को कम करते हैं तथा रक्त कोशिकाओं का शोधन करते हैं, जिससे मधुमेह रोगियों के हृदय रोग एवं उच्च रक्तचाप में लाभ मिलता है। नींबू के छिलके में पाए जाने वाले दो घटक लिमोनिन तथा सल्वेस्ट्रोल कैंसर की कोशिकाओं से लड़ने में सहायता करते हैं। इसमें पाए जाने वाले फ्लावोनाइड कैंसर कोशिकाओं को बढ़ने से रोकते हैं, जिनमें त्वचा, बड़ी आंत तथा स्तन के कैंसर विशेष उल्लेखनीय हैं। नींबू के छिलके में कैल्शियम तथा विटामिन सी बाकी अवयवों के साथ मिलकर ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, सूजन वाली आर्थराइटिस तथा अस्थि जोड़ने में अत्यंत उपयोगी है। रोग प्रतिरोधक क्षमता हेतु नींबू के छिलकों का उपयोग रामबाण है। खांसी, नज़ला, गले का दुखना एवं अन्य इन्फेक्शन में इसे उपयोग कर लाभ पाया जा सकता है। फाइबर की प्रचुर मात्रा के कारण यह पेट की क्रियाशीलता को नियमित कर पाचन शक्ति को उत्तम बनाए रखने में सहायक होते हैं। नींबू के छिलके में प्राप्त विटामिन सी कैल्शियम मुख के रोगों जैसे कि मसूड़ों की सूजन, पायरिया इत्यादि की रोकथाम के लिए सहायक हैं। खाना खाने के बाद बस नींबू का छिलका चबा लें, सांस भी तरोताज़ा हो जाएगी। शरीर में फ्री रेडिकल को निष्क्रिय कर नींबू के छिलके उम्र के बढ़ाव को रोकने में सहायक होते हैं, जिससे त्वचा, सर के बाल निखर जाते हैं तथा उनसे दिखने वाला आयु का प्रभाव कम हो जाता है। छिलके खाने के साथ साथ उन्हें गुनगुने पानी में मसल कर त्वचा तथा शरीर में नहाने के समय लगा लेना चाहिए। नींबू के छिलके में उपलब्ध पेक्टिन वजन घटाने में कारगर पाई गई है। वजन घटाने के लिए नींबू के छिलके का अचार प्रचुर मात्रा में प्रयोग करें, अवश्य लाभ मिलेगा आपको। इसके साथ साथ कुछ एक सावधानियों को भी ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि नींबू को अच्छी तरह से धो लेना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार के पेस्टिसाइड एवं इंसेक्टिसाइड का प्रभाव ना रहे। धोने के लिए गुनगुने पानी का उपयोग करें अथवा धोने वाले पानी में थोड़ा सा नमक या सिरका मिला दें तथा इसमें नींबूओं को 10 से 15 मिनट तक भिगोएं, फिर खुले पानी से धो लें। नींबू छिलके में ऑक्सालेट अधिक होते हैं, पथरी रोग की दशा या संभावना में उपयोग इसका नहीं करना चाहिए। कैसे उपयोग करें नींबू के छिलके, आइए नींबू के छिलकों का नियमित उपयोग कर स्वस्थ रहने के कुछ एक विधियां हम जानते हैं। 1 किलो नींबू लेकर उसका जूस निकाल लें। जूस में सम भाग यानी कि बराबर मात्रा में चीनी मिलाकर 1 बोतल में रख दें। 1 सप्ताह में यह नींबू का शरबत तैयार हो जाएगा, जिसे आप जब चाहें उपयोग कर सकते हैं। इसका अचार भी आप बना सकते हैं। बचे हुए छिलकों में से बीज अलग कर दीजिए, इन छिलकों का अचार बना सकते हैं आप, जिसके लिए इसमें आपको नमक, हल्दी, काली मिर्च, अजवाइन इत्यादि मिलाकर कुछ दिन तक नर्म होने के लिए धूप में रख देना चाहिए। खटास के लिए 2 से 4 नींबू रस समेत डाल सकते हैं आप इसमें, चाहे तो गुड़ या शक्कर भी मिला सकते हैं। उसके बाद इसका आप उपयोग करें, आपको लाभ होगा। इसके अलावा आप चटनी के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। छिलकों को थोड़ा गर्मा कर इनकी पेस्ट भी बनाई जा सकती है, जिससे आप चटनी इत्यादि बना सकते हैं। इस पेस्ट को दाल, सब्जी इत्यादि में भी मिलाया जा सकता है। ध्यान रहे इसे दाल, सब्जी इत्यादि में बनने के बाद ही मिलाया जाए, नहीं तो कड़वाहट बढ़ जाएगी। इसका आप फेस पैक भी बना सकते हैं। छिलकों को सुखाकर ग्राइंड कर लीजिए। इसमें बराबर मात्रा में पीसी हुई चना या मसूर की दाल मिला लीजिए। नींबू के निकले हुए बीज, थोड़ी हल्दी एवं काली मिर्च भी इसमें मिला दें। यह आपका फेस पैक, स्किन पैक तैयार हो गया। इस फेस स्किन पैक को दही मिलाकर चेहरे पर लगाइए, मुहासे में लाभ मिलेगा एवं त्वचा निखर कर दमक उठेगी। नींबू के छिलके फेंकिए मत, प्राकृतिक रूप से यह वरदान होता है एक, बस इसका सदुपयोग कीजिए। अगर आप नींबू के छिलकों का सदुपयोग करते हैं तो आप देखेंगे कि बहुत सारे लाभों को उठा पाएंगे। तो है ना दोस्तों, ये कमाल की बात। आज तक आप नींबू का जूस पीते थे यानी कि सुबह सुबह नींबू पानी पीते थे और सोचते थे कि बहुत फ़ायदा करेगा हमें। जी हाँ, बिल्कुल फ़ायदा करता है वो, लेकिन इसके साथ साथ आप
इसके छिलकों को यूज करते हैं जैसा कि हमने बताया, तो आप इसके गुणों में 6 गुना ज़्यादा इजाफा पाएंगे, जिसकी वजह से आपकी प्रॉब्लम्स और इजीली दूर हो जाएगी क्योंकि इसके गुणों में इजाफा हो जाता है। तो दोस्तों, अगली बार हम ऐसी ही कुछ एक और महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के आप सभी के लिए आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।